मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फो हैंगर में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपका जो कैमरा है वो आप हाथ में लेकर अगर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण आपकी वीडियो होगी वो इधर उधर हिल दी जाती है, जिसके कारण आपकी वीडियो ख़राब हो जाती है, आप उसे अपलोड करने में दिक्कत होती है और आपकी वीडियो क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो का स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो यूट्यूब में ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो आप सिंपली अगर हाथ से अपनी वीडियो को फ़ोन पकड़ के बनाते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो कहीं कहीं का हिल जाती है, जिसके कारण ये लगता है कि वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, आपको अपनी वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, उसका ऐप का नाम है गूगल फोटोज़। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। तो दोस्तों, आपको उस वीडियो को, जिस वीडियो को आपको स्टेबलाइज़ करना है, जिसको आपको स्टेबलाइजेशन करना है, उस वीडियो को आप यहां से चूज़ कर लेंगे। आपकी सारी वीडियो यहां पर आ जाएंगी। जिस वीडियो को आपको स्टेबलाइज़ करना है उसको सिंपली यहां से चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं यहां पर इस वीडियो को लेता हूं, मुझे इस वीडियो का स्टेबलाइजेशन करना है। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कितनी ज़्यादा ये हिल रही है वीडियो, और मैं इस वीडियो को स्टेबलाइज़ करूँगा। उसके स्टेबलाइजेशन करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि ये वीडियो किस तरह से स्टेबलाइज़ हुई है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टेबलाइज़ करना शुरू करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर तीन तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर बीच में एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ स्टेबलाइज़ लिख के आ रहा है, एक तरफ रोटेट लिख के आ रहा है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर स्टेबलाइज़ करना है इस वीडियो को, तो मैं सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरी वीडियो जो होगी वो स्टेबलाइजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस होने के बाद जो हमारी वीडियो है वो स्टेबलाइज़ हो जाएगी पूरी तरीके से प्रोसेस के बाद। तो दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना होगा इस। तो फाइनली गाइज, हमारी जो वीडियो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि जो हमारी पहले की वीडियो थी वो आपने देखा ही था कितनी ज़्यादा हिल डुल रही थी, वो बिना स्टेबलाइज वाली थी। और जो मैंने स्टेबलाइज कर रखी है, अब इसके बाद देखते हैं हमारी जो वीडियो वो किस तरह की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो पहले की वीडियो थी और अब की वीडियो है उसमें कितना डिफरेंट आ गया है। हमारी जो अब की वीडियो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है, और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर आ गया है इस वीडियो में। तो आप चाहें आप भी अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करके। और मैंने जो ऐप दे रखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी वीडियो को इस तरीके से फॉलो करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपको सिंपली देख ही रहे होंगे, यहाँ राइट कॉर्नर सेव का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख ही सकते हैं प्रोसेस चला है सेविंग वीडियो का। आपको थोड़ा वेट करना होगा, जिस तरह से आपकी जितनी वीडियो की लेंथ होगी उसी हिसाब से ये प्रोसेस में वेट लेगा। अगर आपकी वीडियो शॉर्ट क्लिप है, शॉर्ट क्लिप में थोड़ा ही टाइम लगता है। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो है वो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।